हेलो फ्रेंड, मैं अर्षी गया बिहार से और आप देख रहे हैं अर्षी टेरिस गार्डन। सो फ्रेंड देखिए, मैं छत पे आ गई हूँ और आज ये बारिश है, अभी एक दो दिन से रुकी हुई है, तो मैं भर भर कर कंटेनर में पानी डाल दी हूँ। और देखिए, पानी इतना दी हूँ कि नीचे से पूरा क्रॉस किया है पानी। तो जब बारिश रुक जाती है तो एकदम अजब सा मौसम हो जाता है और मिट्टी बिल्कुल ही ड्राई हो गया था, तो पानी सब में मैं डाल दी हूँ। और इस सब देखिए, मेरा जो भी फ्लावर खिल रहा है उसे मैं फ्रंट में रख दी हूँ कि कुछ फ्लावर भी मुझे खिलता हुआ दिखे। इस तब देखिए, कुछ बेल में भी फ्लावर खिलना शुरू हो गया है और हरियाली माशाल्लाह बहुत अच्छा है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये सारा फिश कंटेनर में बेल लगा हुआ है, जो भी वेजिटेबल का मैं बेल लगाई हूँ। और फिश कंटेनर में बहुत ही अच्छा वेजिटेबल सर्वाइव करता है। देखिए ये हमारे फ़िश कंटेनर में, हमारी फ़िश कंटेनर में जो भी मिट्टी थी वो अब नीचे धंस गई है, क्योंकि जब मैं फ़िश कंटेनर रेडी करती हूँ तो उसमें मैं ड्राई लीफ डालती हूँ। देखिए धंसने के बाद सारा रूट नज़र आ रहा है बेल का, तो मुझे इसको फिल करना है। और देखिए एकदम हाफ हाफ से भी नीचे चला गया है, तो जो ड्राई लीफ होता है वो डिकम्पोज होकर के धंस जाता है। तो फिश कंटेनर में एक्स्ट्रा मिट्टी ऊपर से मैं डालती हूँ, और जैसे ही वो कंटेनर खाली होना शुरू होता है तो हर 15 दिन 20 दिन पे मैं उसमें मिट्टी भरना शुरू कर देती हूँ। इससे हमारा वेजिटेबल भी बहुत अच्छा होता है और कंटेनर भी फिल रहता है। तो देखिए ये कुछ रूट नज़र आ रहा है, ये सारा रूट को फिल कर दूँगी। और इस तरफ देखिए, देखिए मिट्टी का कंटेनर एकदम हाफ हो गया है और रूट भी नज़र आ रहा है। तो इसकी मिट्टी मेरी रेडी है, मैंने पहले से ही रेडी कर रखा है मिट्टी। और जब मैं समर में कुछ काम नहीं कर रही थी तो मिट्टी का ही काम कर रही थी, सारा मिट्टी रेडी कर करके बॉडी में बंद करके रख रही थी। उस वो मैं ये बरसात के लिए ही रेडी कर रही थी कि बरसात में बहुत अच्छे से वेजिटेबल में मिट्टी डालने के लिए होगा। ये देखिए, ये हमारे सारे बोड़े में मिट्टी रेडी है, एकदम भुरभुरा हल्की सी मिट्टी है। इसमें मैं मेरा गार्डन का ही सॉइल है और इसमें मेरा ऑर्गेनिक डिकम्पोस्ट किया हुआ किचन वेस्ट है, लीफ कंपोस्ट है, सब मिला हुआ है। बहुत ही अच्छा मिट्टी ये रेडी है। और कुछ देखिए नीम खली और मस्टर्ड केक भी मिला दे रही हूँ, क्योंकि ये हमारे पास था और अभी फ्रंट में रखा हुआ था, मुझे दिख गया तो मैं बोली इसे भी डाल दीजिए। और देखिए इस तरीके से डाल के बढ़िया से इसे मिला लेना है और उसके बाद ही आप अपने कंटेनर में डालिए। अगर आपके पास सिर्फ आपका गार्डन का ही मिट्टी है ऑर्गेनिक मिट्टी, तो आपको ऊपर से कोई खाद देने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं 15-20 दिन पे थोड़ा थोड़ा सॉलिड खाद इस टाइम में देती हूँ रेनी सीज़न में। अदरवाइज़ समर वगैरह में तो मैं लिक्विड खाद ही दे देती हूँ, लेकिन रेनी सीज़न में होता है क्या, बारिश होने से आपके जो भी कंटेनर में खाद रहता है वो बारिश के पानी से बाहर निकल जाता है। तो इसीलिए मैं सॉलिड खाद डालती हूँ कि धीरे धीरे कम घुले और हमारा जो भी पौधा लगा हुआ है उसमें जाए। देखिए इस तरीके से मिट्टी को बढ़िया से मिला लीजिए, बहुत अच्छे से मंजूर अंकल मिलाते हैं मिट्टी। ये देखिए पूरा बढ़िया से मिट्टी को मिलाने के बाद, और इस मिट्टी में मेरा पहले से भी नीम खली और वर्मी कंपोस्ट गोबर की खाद सब मिला हुआ है। देखिए इस तरीके से कंटेनर में फिल करना है। इस गमले से मैंने 2-2, 3-3 गमला डालना है, क्योंकि फिर वो मिट्टी और धंसेगा और डिकम्पोस्ट नीचे का लीप होगा, वो मिट्टी और धंसेगा और फिर से मुझे इसमें मिट्टी लगाना होता है। तो इतना डालिए कि 15 दिन के बाद मुझे इतना मिट्टी और डालना हो। देखिए इस तरीके से रूट के पास भी और साइड में भी बहुत अच्छे से मिट्टी मंजूर अंकल फिल कर रहे हैं। मैं इन्हें सारा ट्रेनिंग देते रहती हूँ कि किस तरीके से डालना है, और साथ में भी मिलकर काम करना होता है। लेकिन जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो मुझे ही बनाना होता है, मंजूर अंकल को तो आता नहीं है। देखिए इस तरीके, इस तरफ मेरा कुछ रोज़, सदाबहार, अडेनियम सब खिल रहा है। ये देखिए नागचंपा तो मैं रेगुलर दिखा रही हूँ कि बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। इस तरफ हमारा टोटल बेल सर्वाइव कर रहा है। मिर्ची रेगुलर हार्वेस्टिंग कर रही हूँ, बहुत अच्छे से मिर्ची हो रहा है इस टाइम। तो फ्रेंड्स, अपने छत पे गार्डनिंग करना बहुत ही आसान है और इस तरीके से आप भी गार्डनिंग कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिएगा, और कमेंट्स में भी कुछ लिख दिया कीजिए कि मैं भी खुश हो जाऊँ। देखिए इस तरीके से फील करना है और बहुत मन लगता है छत पे, बहुत ही अच्छा लगता है हरियाली देख के। बीच में हमारा छत बिल्कुल ही ड्राई हो गया था, तो मुझे तो बिल्कुल मन नहीं लगता था, लेकिन हाँ देखिए अभी बहुत अच्छे से इस तरीके से टोटल मिट्टी डालना है, अपने आप कंटेनर को फिल करना है। और सॉरी, 15 दिन के बाद ये कंटेनर फिर धंस जाएगा, क्योंकि नीचे का जो लीफ है
वो फिर धस करके और नीचे चला जाएगा, तो इसमें मिट्टी और लगेगा। तो मैं उतना मिट्टी रखी हुई हूँ, मैं एट ए टाइम कंटेनर को बहुत हेवी और बहुत भारी नहीं करती हूँ, धीरे धीरे इसमें मिट्टी डालती हूँ, उससे बहुत ही अच्छा वेजिटेबल होता है। अभी तो सिर्फ जेंट्स फ्लावर आ रहा है, लेडीज़ फ्लावर उतना नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन पिछले साल मैं बहुत ही अच्छा वेजिटेबल बरसात में उगाई थी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, टोटल बेल मचान तक बहुत अच्छे से पहुंच गया। अब बस फ्रूटिंग का इंतज़ार है कि कैसा फ्रूट आता है, लेकिन हाँ इतना यकीन है जो भी आएगा बहुत ही अच्छा आएगा। देखने के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।